ये वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं एक नेपाल की फ्लाइट का है, जो कि कल ही 15 जनवरी 2023 को ये फ्लाइट क्रैश हो गई। ये फ्लाइट में ऑलमोस्ट 72 लोग सफर कर रहे थे, इंक्लूडिंग कैबिन क्रू। ऐसी न्यूज भी आ रही है कि जिसमें 5-6 इंडियंस भी थे और 15 फॉरेनर्स सफर कर रहे थे। ये प्लेन काठमांडू से निकला था और पोखरा पहुंचने वाला था। एयरपोर्ट को पहुंचने से 10 से 15 मिनट पहले ही ये ऑटोमेटिकली नीचे आकर क्रैश हो गया, जिसकी वीडियो एक वहां के लोकल आदमी ने अपने मोबाइल में कैप्चर कर ली। और साथ में और एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पे ये क्लेम किया जा रहा है कि वो वीडियो को एक पैसेंजर ने बनाया है जो कि उस प्लेन में था। जब वो प्लेन क्रैश हो रहा था, वो पैसेंजर ने फेसबुक पे लाइव किया था। ये एक डोमेस्टिक एयरलाइन था, फ्लाइट 691, जो कि नेपाल की यटी एयरलाइंस इसको चलाती थी। 72 मेंबर्स में से 68 तो पैसेंजर ही थे, बाकी के 4 जो कैबिन क्रू होते हैं, पायलट वगैरह, साथ में एयर होस्टेस, वो लोग थे। ऐसा बताया जा रहा है कि इस क्रैश में एक भी आदमी सर्वाइव नहीं कर पाया है। टोटल 72 के 72 लोग अपनी जान गंवा दिए। ये इंसिडेंट किस वजह से हुआ है अभी वजह बाहर नहीं आई है। ये वजह बाहर लाने के लिए एक ब्लैक बॉक्स जैसा एक डिवाइस होता है, जहां पे वो एरोप्लेन की सारी चीज़ें मॉनिटर करता है, जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करता है। एक ब्लैक बॉक्स जो कि ऑरेंज कलर का होता है, कैसे भी ब्लास्ट होने दो, क्या भी होने दो, एरोप्लेन में वो चीज़, वो जो ब्लैक बॉक्स होता है वो इतना स्ट्रांग बनाया जाता है कि वो बिल्कुल सेफ होता है। ये बॉक्स बनाया इसलिए जाता है जब भी एयरक्राफ्ट क्रैश हो तो उसमें की डिटेल जानकारी ली जाए कि क्रैश क्यों हुआ है। अभी सिचुएशन में भी अभी तक ब्लैक बॉक्स के बारे में कोई बात ही नहीं हुई है, अभी बहुत सारी अपडेट्स आना बाकी है। अब इससे ज़्यादा हम क्या ही बोल सकते हैं, जबकि 72 लोग मर गए हैं तो 72 लोग फैमिलीज उनकी पूरी अफेक्ट हुई है।